नमस्कार, आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज। जगदूत न्यूज में आपका स्वागत है। जगदूत राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र का चैनल के लिए जगदूत न्यूज ब्यूरो जैन ए अरुण वर्मा, जगदीप कुमार की रिपोर्ट। पत्रकार नगर खगड़िया मोरका ही थाना क्षेत्र के फरकिया के लाल शहीद जावेद की अंतिम यात्रा सलामी के समय अचानक कुदरत भी साथ देने की चर्चा। मझीम बारिश के समय रुके लोग चर्चा कर रहे थे, वहीं सांसद की खोज करते देखे। फिर सदर विधायक पूनम देवी यादव के बारे में सदैव अक्सर कार्यक्रम में मौजूदगी की चर्चा जोड़ों पर करते देखे। देखें कैमरे में कैद चित्रण, अरुण वर्मा, जगदीप का आंखों देखा हाल। पढ़ें जगदूत राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र। जगदूत पत्र, पल पल खबर के लिए बने रहें जगदूत न्यूज काम पोर्टल पर। जगदूत न्यूज एजेंसी आपके साथ, अनिल वर्मा। जो वो खुद को शहीद हो गया और हमारे स्कूल का नाम रोशन किया, और ये इनसे कहना है कि मतलब बहुत सारे बच्चे आर्मी बनकर इस स्कूल का नाम रोशन करें। उर्दू मध्य विद्यालय में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका बचपन से ही उम्मीदें हैं कि वो बड़े होकर आर्मी डिफेंस विभाग में जॉब करना चाहते हैं। इन बच्चों को सही दिशा और निर्देश देने के लिए यहाँ के शिक्षक बहुत ही आगे निकल रहे हैं और एक उमंग के साथ पढ़ाई दे रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आज उन सर से, जिन स्कूल में बच्चा ने मोहम्मद जावेद ने पढ़ाई किया था, उन सर से मिलते हैं। आपका नाम? यासीन। आप इस स्कूल का टीचर हैं? जी। कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? तो आपने जिस टाइम ये मोहम्मद जावेद यहाँ पे पढ़ाई करते थे, उस टाइम आप पढ़ाते थे? जी। तो वो पढ़ने में कैसा थे? बहुत ही अच्छा था, होनहार था बचपन से। इनका बचपन से ही शौक था कि मैं आर्मी बनूं? जी। और इनके दोस्त भी चाहते होंगे हम भी इनके तरह बने, तेज तर्रार हो। तो कुछ बच्चे शरारती भी होते होंगे, तो उन पे उस बच्चे के लिए आप क्या प्रेरणा देते थे? उसको जावेद की तरह ही बोलते थे, उस जैसा बने। इधर इधर आ। आपका नाम सर? मेरा नाम मोहम्मद अताउल हक, और जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था, बच्चा पढ़ने में बहुत तेज था, और हमने हर बच्चे से पूछा था बताओ पढ़ के क्या बनोगे। किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी ने कहा मैं इंजीनियर बनूंगा, और इस लड़के ने कहा था कि मैं देश की सेवा करूंगा और मैं सरहद की हिफाजत करूंगा। और पढ़ने में बहुत तेज़ था, और पढ़ लिख करके अपनी प्रतिभा को उन्होंने दिखाया, और जाकर सरहद की हिफाजत में उसकी नौकरी मिली और वहाँ बखूबी अंजाम दिया, और उसका परिणाम यह है कि देश की रक्षा करते हुए आज शहीद हो गया। इस पर इस स्कूल को फख्र है कि इस यहाँ का मेरा बच्चा आज देश की सेवा करते हुए शहीद हो गया। उसके लिए हमारी आँखें नम हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस विद्यालय से ऐसे ऐसे बच्चे जाए जो हमारे देश की रक्षा करें, और फिर इस तरह से अपना अगर जान देने की भी जरूरत हो तो जान देकर अपने देश की रक्षा करें। जी, ऐसा सभी स्टूडेंट में एक उमंग आनी चाहिए। और बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे इस बात से खुशी है कि आज स्कूल बच्चे के लिए स्कूल तो बंद है, लेकिन सभी शिक्षक यहाँ मौजूद है जी, जिससे बहुत सारे स्कूल को प्रेरणा लेनी चाहिए। स्कूल बंद है तो लेकिन टीचर को आना अनिवार्य है। आप लोग ने यहाँ पहुँचे जी जी, और अपना टाइम दे रहे हैं स्कूल के लिए, चूंकि ये गवर्नमेंट की बात है, ये मेरी कोई बात नहीं है। और हम लोग यहाँ हर बच्चे को देशभक्ति सिखाते हैं, अपने देश की रक्षा करना सिखाते हैं। मैं ऐसा चाहता हूँ कि सप्ताह में कम से कम स्कूल में एक दिन देशभक्ति सॉन्ग भी। जी नहीं, मेरे यहाँ डेली देशभक्ति सॉन्ग होता है, डेली हमारे यहाँ चेतना सत्र जो होती है उसमें डेली देशभक्ति सॉन्ग होती है, और बच्चे से जीके भी हम लोग पूछते हैं कभी कभी। आपका नाम सर? मोहम्मद फारूक। आप स्कूल में कब से पढ़ाई पढ़ा रहे हैं? हम 2005 से, इससे पहले बगल के स्कूल में थे। तो वो पढ़ने में कैसा थे? पढ़ने में बहुत ज़हीन था, बहुत गुर्बती में इनकी ज़िंदगी गुजरी है। लोग बताते हैं कि वह किसी के खेत में मजदूरी करने जाते थे तो अपनी किताब लेके जाते थे, जो वक्त मिलता था उसको उसी में सर्फ करते थे। और हुब्बुल वतनी इसके अंदर कूट कूट के शुरू से ही भरा हुआ था, और इसी का नतीजा है कि दुश्मनों से लड़ते हुए अपनी देश के खातिर उन्होंने अपनी जान निछावर कर दिया, कुर्बान हो गया। इससे पूरे समाज में एक फख्र महसूस हो रहा है, और यही जज्बा तमाम लोगों तमाम बच्चों में हो, ये मेरी तमन्ना और ख्वाहिश। जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके स्कूल से बहुत सारे बच्चे डिफेंस में ज्वाइन करें, आर्मी पुलिस। इंशाल्लाह हम भी यही कोशिश करते हैं कि और ज्यादा से ज्यादा लड़के जाएं, इस गांव के मोहल्ले टोले का नाम रोशन हो और आपके स्कूल का नाम रोशन हो। बेशक। धन्यवाद।
धन्यवाद। जावेद मर रहे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जवान जावेद मर रहे हमारे, जवान जावेद मर रहे हमारे, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय। जिंदाबाद, जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान अमर रहे, अमर रहे, हर तरफ शहीद जावेद अमर रहे के नारे से गूंज रहे हैं और पाकिस्तान मुर्दे मुर्दाबाद के नारे से पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। आक्रोश देखने को मिल रहा है आज खगड़िया में। सकते हैं शहीदों के सम्मान में विशाल बाइक रैली है, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और शहीद जावेद अमर रहे के नारे लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पार्थिव शरीर मोहम्मद जावेद का खगड़िया पहुंच चुका है। लोगों में काफी उत्साह, काफी लोगों में नाराजगी है पाकिस्तान के खिलाफ। वहीं जन अधिकार पार्टी के भी जाप नेता भी फूल और माला लेकर के रोड पे उतरे हुए हैं पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण करने के लिए। देख सकते हैं किस तरह से बाइक का यह जुलूस है, हजारों लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं। जावेद, शहीद जावेद का पार्थिव शरीर खगड़िया पहुंच चुका है। आप देखिए इसी एम्बुलेंस में शहीद जावेद का पार्थिव शरीर है। यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं, हर तरफ शहीद जावेद के नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, शहीद जावेद जिंदाबाद, शहीद जावेद अमर रहे। इसी में आप देख रहे हैं कि पार्थिव शरीर है इसी एम्बुलेंस में। ऐसे नहीं ले रहे थे, गाड़ी रुकेगा हो तो गाड़ी, लेकिन रुकेगा नहीं ना। खाड़े में प्रवेश
मोहम्मद जावेद अली का शहादत और इनका पार्थिव शरीर कार्डियक में पहुंचकर ये सभी वीरों को इनको देखने के लिए उतरे जन सैलाब। पाकिस्तान मुर्दाबाद। उस बड़ी में हो रुके 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 अरे उस गाड़ी में सजाया जाएगा, उस गाड़ी में तो खोली क्यों यहाँ से। यही गाड़ी में पार्टी हमारे सही थे जावेद का पार्टी शरीर है देख रहे हैं, यही गाड़ी में पार्टी शरीर है। अरे हम क्या कर चौक मार देगा मर्द।
चाहिए। कौन तुम लोग पीछे Thank you.
लिए हम ये जेसीओ साहब यूनिट के काहे धकेल रहे हैं क्या करोगे लेकर के तुम पूछो किसमें चलोगे मोबाइल आप बीच में घुसा दीजिए एक तो फोटो ले ले बोले दे रहा ऊपर से लेंगे फोटो आगे कर दीजिए मारेंगे ऐसे ही फोटो खींचते खींचते एक एक आ रहे हैं सब भीड़ हो रहा है चलो पीछे हटो ना बाद में फोटो खींच लेना चलो हम लोग ले लेंगे एक मिनट चलो एक एक आप पीछे हटो पीछे ओके ओके पीछे चलो पीछे अभी फोटो बहुत खींचना बाकी बहुत काम है हमें क्या बोला हो गया यहाँ हो गया चलिए बोलो गिरा समझिए भीड़ से पानी से निकल चंदन अरे यार गिर जाएगा कैसे करते हो पीछे प्लीज थोड़ा सा पीछे